चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। लोकसभा चुनाव पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। 18 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक, जानकारी फिलहाल मिल रही है। हरियाणा के 9 उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी, तो तीसरी सूची में नामों के ऐलान की संभावना जो है वो मानी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हर सीट से 2 या 3 नाम आगे भेजे गए हैं। लोकसभा चुनाव पर दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। 18 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक और हरियाणा के 9 उम्मीदवारों पर इसमें चर्चा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तीसरी सूची में नामों के ऐलान की संभावना जल्द, बड़ी खबर। हरियाणा के उम्मीदवारों का जो पैनल है वो यहां पर तैयार किया जाएगा, खासकर इस पर फोकस रहेगा। सीट से 2 या 3 नाम आगे भेजे गए हैं। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जो कांग्रेस के में से आ रही है कि 18 मार्च को कांग्रेस सीसी की बैठक होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 तारीख को देखने को मिलती हुई नजर आएगी और इसमें जो अलग अलग राज्य हैं उनको लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी। खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 3 दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसके बाद जो पैनल है वो जो है तैयार किए जा चुके हैं और अब ये जो पैनल में नाम है वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे 9 सीटों को लेकर। और वहां पे जो केंद्रीय चुनाव समिति है अंतिम मोहर जो है कहीं ना कहीं लगाती हुई जो है नजर आएगी। पैनल के संदर्भ में जहां तक हम बात करते हैं तो तमाम बड़े चेहरों को भी जो है पैनल में कहीं ना कहीं जो है रखा गया, जिस तरीके से केंद्रीय आलाकमान भी जो है कहता हुआ जो है नजर आ रहा था कि बड़े चेहरों को चुनाव जो है लड़ना चाहिए, लेकिन बड़े चेहरों की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि वो लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव प्रेफरेंस जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब 9 सीटों की बात करते हैं तो वहां पर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पैनल जो है बना दिए गए हैं, वो पैनल अब 18 तारीख को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रखे जाएंगे। हर सीट से 2 या 3 नाम जो है यहाँ पर भेजे गए हैं। अगर हरियाणा की 9 सीटों के बारे में बात यहाँ पर की जाए तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ समीकरण बैठा सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी इन कई सीटों पर हरियाणा की उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से हम बात करते हैं तो जो उम्मीदवार है वो मैदान में जो है उतार दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 6 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी उम्मीदवार जो है मैदान में देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग सीटों की बात करते हैं तो पैनल जो है यहाँ पर बना लिए गए हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में राजबब्बर का नाम भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जितेंद्र भारद्वाज का नाम देखने को मिलता हुआ नजर आता है, इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव भी वहां पर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से सिरसा सीट की बात करते हैं तो सिरसा सीट से कुमारी शैलजा का नाम देखने को मिलता हुआ नजर आता है, शीशपार केहरवाल जर्नैल सिंह का नाम देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। सोनीपत और हिसार में जाट नॉन जाट दावेदारी जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हिसार का लगभग फाइनल है कि बीजेपी से कांग्रेस में आए ब्रजेंद्र सिंह वो जो है मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा जयप्रकाश के नाम को भी जो है कंसीडर वहां पर जो है किया जा रहा है। इसी तरीके से करनाल से जो है पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और उनके परिवार को जो है दावेदारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करते हैं तो श्रुति चौधरी हो गए, राव दान सिंह का नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक लोकसभा की बात करें दीपेंद्र हुड्डा का वहां पर नाम जो है शीर्ष पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि ये देखने वाली बात रहेगी क्या वो अपना जो राज्यसभा है वो जो है छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ऐसे में ये तमाम जो है सीट है, जिसमें फरीदाबाद की भी बात करें विजय प्रताप सिंह, करण दलाल, इनका नाम जो है टॉप पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। ये तमाम पैनल में नाम जो है फिलहाल भेजे गए हैं 2 से 3 अलग अलग सीटों को लेकर। उसमें से किस पर केंद्रीय आलाकमान जो है मोहर लगाता हुआ नजर आएगा वो 18 तारीख को तय होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर, हरियाणा के 9 उम्मीदवारों पर भी चर्चा ऐसा होगी और तीसरी लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जल्द ही यहां पर जारी की जा सकती है। तो लोकसभा चुनाव पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा के 9 उम्मीदवारों पर चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरी सूची में नामों का ऐलान जो है वो संभव है।